Happy Holi to all. Mami ji, aap Ekta Kapoor ki party pe aaj Holi ki party pe aayi हो? यार एकता कपूर की पार्टी को तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो एकता कपूर हमारी टीवी इंडस्ट्री की महारानी है, और बस उनकी नजरें इनायत हम पर हो जाए तो कंटिन्यूटी शो स्टार्ट हो जाए. तो या सो एकता जी की पार्टी है जो कि हमें लास्ट टाइम पे भी इनवाइट किया था और इस बार भी क्या है, तो ऑफकोर्स वो तो बनता था और हम मैम की पार्टी को तो अवॉइड नहीं कर सकते. और अमेजिंग यहाँ पर डेकोरेट किया गया है और हम बहुत इंजॉय करें. और हैप्पी और होली जो है वो रंगों का त्यौहार है, तो रंग होने चाहिए जिंदगी में. बी सी एल होली हम लोग 4 ईयर्स से इंजॉय कर रहे हैं, इसी बहाने हमारे सारी टीवी एक्टर फ्रेंड्स जो भी है मिलना हो जाता है, क्योंकि एक फिल्म लाइन जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी टीवी इंडस्ट्री है, वो एक छोटी सी हमारी फैमिली है. तो एक फैमिली के साथ में होली इंजॉय करने का मजा ही कुछ और होता है. और बाकी हमारी मीडिया, आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है. थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें कवर करते हैं. हर इवेंट में देखने को मिलता है आपको, जैसे कि कल भी हमने आईटी अवार्ड की पार्टी में देखा, तो वहाँ पे आपको इनवाइट किया था उसके बाद. हाँ जी हाँ जी, इनविटेशन आया हुआ था, मतलब भगवान ने चाहा तो हो सकता है आने वाले टाइम में आईटी अवार्ड हमें मिल जाए. हमारे कुछ फ्रेंड्स का नाम नॉमिनेट था, इस वजह से हम लोग उनको चेयर्स करने गए थे. और आप लोग प्रेयर कीजिए कि कंटिन्यू हमें भी कुछ अच्छा काम मिले और हम भी अवार्ड जीते हमारे दोस्तों के जैसे. लेकिन हमें खुशी होती है क्योंकि ऐसे जो हमारे जो भी शोज़ होते हैं, अवार्ड शोज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमारे फ्रेंड्स को हम चेयर्स करने के लिए जाते हैं. अच्छा, आप यहाँ से अभी कोई सेलिब्रिटी पार्टी पे जा रहे हो? हाँ अभी पार्टी हो बताया. अभी वो फ्रेंड बोलेगा मेरे नाम अनाउंस कर दिया, सब मेरे घर पे पहुँच गए. ये भी सब हमारे टीवी वाले फ्रेंड्स हैं, ईशिता, मिक्की और कौन कौन है, काफ़ी सारे लोग हैं. तो बस हम लोग अभी आफ्टर होली पार्टी करने वाले हैं. जो टाइम हो गया अभी 5 बज रहे हैं, तो आप इसके बाद कितनी देर तक पार्टी करते रहोगे? पार्टी मतलब आई थिंक मैं 8-9 बजे तक करने वाली हूँ. मैं सुबह आज लाइफ में पहली बार आज पहली बार लाइफ में मैं सुबह जल्दी उठी हूँ. मैं 9 बजे उठ गई, मैं 10 बजे फटाफट रेडी हुई, जो ऑयल बॉडी पे लगाया, पूरा मेकअप किया कि फेस थोड़ा कवर. जो है रात को आप कितनी बजे तक पार्टी करोगे? 8-9 बजे तक तो करने वाली हूँ कम से कम. पहले मॉर्निंग में हम लोग जूम पार्टी ताजलैंड में गए, वहाँ से हम लोग BCL अटेंड किया, एक प्राइवेट पार्टी हम लोग करके आए, और अभी 2 पार्टी और बाकी है. हर साल मुझे होली सेलिब्रेट करना मुझे बहुत पसंद है. आई रियली लव कलर्स एंड आई लव एवरीथिंग अबाउट होली. तो इस साल कुछ दोस्तों के पास गई, मैं होली सेलिब्रेट किया, और उसके बाद अभी मैं आई हूँ लोखंडवाला सेलिब्रेशन क्लब में अपने दोस्तों के साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए. जैसे कि रंगों का त्यौहार है और रंग से खेलना मुझे बहुत पसंद है. तो बस सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और सबकी ज़िंदगी इसी तरह होली के रंगों की तरह खिलती रहे. होली को लेकर बचपन की कोई मेमोरी है, कैसे खेलती थी आप होली बचपन? अरे हमारे वहाँ पे, क्योंकि मैं आसाम से, वो बहुत गंदी तरीके से होली खेला जाता था. और मुझे अभी भी याद है कि मतलब घर से मेरे दोस्त मुझे घसीटते हुए लेके आते थे, और बहुत सारे अंडे, यू नो, कीचड़ के पानी, सारे गंदे पानी में मुझे डुबो डुबो के हालत ख़राब कर देते थे. बट हाँ, मैं मिस करती हूँ वो सारी चीज़ें. तो अब मैं बॉम्बे में हूँ, तो यहाँ पे लोग अलग है, यहाँ की चीज़ें अलग है, तो यहाँ के हिसाब से अब होली मनाया जाता है. होली, हाँ, ए चोरी रंगई बचोलिया हमार जो तेरा रंग में, ये दिल्ली हाइट्स का गाना है, नेहा धुपिया जी है, मुझे ये गाना बहुत पसंद है. थैंक यू सो मच. हम लोग सेलिब्रेट करते हैं होली, सभी को कलर्स लगाते हैं, अपने फ्रेंड और फैमिली और एंजॉय करते हैं और पार्टी करते हैं. वैसे ही इस साल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पर आकर कितना एंजॉय किया आपने सेलिब्रेशन? बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा म्यूज़िक है और लोग बड़े अच्छे से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कलर्स लगा रहे हैं, और कलर का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है ये. तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मैं चाहता हूँ कि सभी प्यार से होली खेलें और सेफ होली खेलें, और लोगों को खुशियाँ बाँटें, मिठाइयाँ बाँटें और कलर लगाएँ, और सब खुश रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं. हाँ, बचपन में मैं ना होली की तैयारी करता था, बहुत दिन से होली की पिचकारियाँ, कलर्स लेता था, लेकिन जैसे ही होली आती थी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, मैं खेल ही नहीं पाता. 2-3 बार ऐसा हुआ, तो वो मुझे कभी कभी याद आ जाता है कि मेरा बहुत मन होता था, मैं खेल नहीं पाता. तो बचपन की सारी कसर मैं अभी निकाल रहा हूँ. लास्ट
लास्टली कुछ विश करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए होली के खास मौके? हाँ, मैं बोलना चाहूँगा सभी को कि सभी अच्छे से और प्यार से और शांतिपूर्वक होली खेलें, सभी को कलर्स लगाएं, सभी को मिठाइयाँ बांटें, मिलजुल के रहें सभी लोग। Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.